नमस्कार, मैं अनीता राजेरिया, प्रवक्ता सीटीडीएफ जीडब्ल्यूपीसी बीकानेर। टॉपिक है पैंट स्टाइल पजामा। नाइट सूट के सेट में इस प्रकार के पजामे को बनाया जाता है। एग्जाम में हम ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन किस तरह से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। ड्राफ्टिंग जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मध्यम साइज या जो दिए गए नाप के अनुसार गारमेंट की ड्राफ्टिंग स्केल साइज में अनुदेश सहित कीजिए। सबसे पहले हमें लिखना होगा मेजरमेंट्स, पजामे के मेजरमेंट्स हमने सीक्वेंस वाइज लिखे, लेंथ, सीट, बॉटम, किस स्केल में हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वेस्ट का मेजरमेंट, जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है उनको हम लिखेंगे। सेंटीमीटर्स और इंचेस दोनों में मेजरमेंट्स लिखे हैं, आप चाहें तो एक में या दोनों में लिख सकते हैं। मेजरमेंट्स लिखने के पश्चात हमें ड्राफ्टिंग शुरू करनी होगी। ड्राफ्टिंग शुरू करने के स्टेप्स हमें भली भांति पता होते हैं कि अपर गारमेंट की ड्राफ्टिंग और लोअर गारमेंट की ड्राफ्टिंग हम किस स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। लोअर गारमेंट में जो मेन मेजरमेंट्स होता है अपना सीट का, सीट के हमको इसको सीट मेजरमेंट को हमको ड्राफ्टिंग में कई बार डिवाइड करना होता है। जैसे वन उसको फोर्थ में, सिक्स पार्ट में, ट्वेल्व पार्ट में, सिक्सटीन पार्ट में, तो हम जो भी डिवाइड वाले मेजरमेंट्स हैं उनको हम पहले से ही यहाँ डिवाइड करके लिख लें और जो भी उनका मेजरमेंट आता है उसको नोट कर लें, ताकि हमें बार बार ये काम नहीं करना पड़े और समय हमारा व्यर्थ ना हो। इसको करने के पश्चात हमें ड्राफ्टिंग शुरू करना है। वर्टिकल लाइन ये हमारी लेंथ की लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन ये हमारी बॉटम की लाइन है। ये दोनों लाइन हमने अपने मेजरमेंट से ड्रॉ की हैं। लेंथ प्लस 5.5 सेंटीमीटर बॉटम और टॉप फोल्डिंग, इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। बॉटम की लाइन बॉटम मेजरमेंट से, इसके बाद हमने सीट लाइन ड्रॉ कर दी। 1/3 मेजरमेंट सीट का, 1/3 जो भी मेजरमेंट आता है वो हम साथ में लिखते जाएंगे या इसको सारा कंप्लीट करने के बाद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सीट लाइन ड्रॉ हो गई। सीट लाइन के बाद हमने पूरा मेजरमेंट जो कि हमें लेना है क्रॉस लेवल तक, वो हमने ले लिया है। वो सबसे पहले हमने लिया 1/4 सीट प्लस 5 सेंटीमीटर, जो हमारा ये आया 29 सेंटीमीटर करीब। इसके बाद हमने इस पॉइंट को 1/6 सीट का 12 इंक्रीज किया और जो मेजरमेंट आया वो 8 सेंटीमीटर हमने नेक्स्ट लाइन यहाँ तक खींच दी। मतलब ये कंप्लीट लाइन हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमने 1/6 का पॉइंट लगाया और ये क्रॉस की शेप यहाँ पर बना दी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना, इसको हमको डिवाइड करना है नी लाइन के लिए। तो ये जो मेजरमेंट था इसका हाफ करके प्लस 5 सेंटीमीटर करके हमने ये नी लाइन इसको ड्रॉ कर दी। नी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने बॉटम का मेजरमेंट लिया प्लस 3 सेंटीमीटर, हाफ बॉटम प्लस 3 सेंटीमीटर लेकर जो मेजरमेंट आया अपने यहाँ इसको लिख दिया और उसके हिसाब से हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब इन सभी पॉइंट्स को हमने लेग शेपर की मदद से आपस में मिला दिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमने बैक पार्ट, क्योंकि ये पैंट स्टाइल पजामा है इसमें बैक को बढ़ाकर लिया जाना है, हमने बैक का मेजरमेंट इसके बाद 116 इस पॉइंट से लेकर 116 इंक्रीज किया और ये वाले शेप बना दी। टॉप पार्ट पे हमने बैक को 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया और इस तरह से हमने एक डायगोनल लाइन इससे मिला दी। नी लाइन पे हमने 2.5 सेंटीमीटर बैक के लिए और बॉटम पे भी 2.5 सेंटीमीटर बैक के लिए पॉइंट मार्क किया और उसके बाद हमने इसको लेग शेपर की मदद से मिला दिया। इस तरह से हम
अपने काम को तुरंत ही हमने ड्राफ्टिंग कार्य को कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कि इंस्ट्रक्शन लिखने की। इंस्ट्रक्शन लिखने में हमें इस ड्राफ्ट में नंबरिंग करनी होती है और अपनी बात को डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है कि हमने कैसे अपने काम को कंप्लीट किया। यदि हमारे पास समय की कमी है तो हम पैटर्न मेथड में, जैसे पैटर्न में हम प्रेजेंटेशन देते हैं अपने वर्क का, उसी तरह से हम छोटे स्केल पे, मतलब स्मॉल स्केल पर ड्राफ्ट में भी उसी भांति प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और इस तरह से आप देखिए, हमने सारे पॉइंट इसमें लगा रखे हैं कि हमने यदि पॉकेट भी हमने यहाँ बनानी है तो यहाँ से कितना गैप होगा ये लिख रखा है। सीट का 112 जो 8 सेंटीमीटर है, ये गैप यहाँ लगा दिया आपने, यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये माउथ के लिए 16 सीट प्लस 1 सेंटीमीटर जो 17 सेंटीमीटर हमारा मेजरमेंट आया, हमने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। इस तरह से हमने सारे मेजरमेंट्स अपने क्लियर कर रखे हैं इंस्ट्रक्शन की तरह, जो कि हमारे पूरे ड्राफ्ट को किस मेथड से बनाया गया है वो स्पष्ट कर रहा है। अब पॉकेट है, पॉकेट यदि आपको ये वाली इस तरह से इनसीम बनानी है तो पॉकेट का बैग भी बनाने का इंस्ट्रक्शन इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि 16 सीट प्लस 2.5 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया इसकी चौड़ाई का मेजरमेंट पॉकेट बैग का। यहाँ से ये पॉकेट बैग ओन फोल्ड है, यहाँ से ओन फोल्ड है और यहाँ से ये ज्वाइन होगा अपने लेंथ वाले साइड पार्ट में। और ये मेजरमेंट जो लंबाई वाला है वो 1/3 सीट प्लस 5 सेंटीमीटर जो लगभग 14 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई का मेजरमेंट लगभग 7.5 इंच के करीब है। इस तरह से हम काम को आसानी से कर सकते हैं। और जो हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, उसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जितने भी सिम्बल्स हैं, ये जो हमारे को किस ग्रेन में काटा जाएगा इसको लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो यदि हम इसको यहाँ से सेंटर से कट कर रहे हैं तब तो हम इसमें कट टू तो फ्रंट हो जाएंगे और कट टू बैक हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये जो ग्रीन लाइन्स है ये भी हमने शो कर दी, इसमें सारी बातें हम इसमें क्लियरली शो कर रहे हैं। इस तरह से हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने समय को बचा कर कार्य कर सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद। तो